अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पारा चनार के स्कूल में फायरिंग करके 6 असातिज़ा को शहीद कर दिया गया। मुसल्ला अफराद ने स्कूल में घुसकर स्टाफ रूम में फायरिंग की। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहीद असातिज़ा मैट्रिक इम्तहानी ड्यूटी पर तैनात थे। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है पारा चनार के स्कूल में, जहाँ पर फायरिंग करके 6 असातिज़ा को शहीद कर दिया गया है। मुसल्ला अफराद ने स्कूल में घुसकर स्टाफ रूम में फायरिंग की। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहीद असातिज़ा मैट्रिक इम्तहानी ड्यूटी पर तैनात थे, जिनको निशाना बनाया गया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, पारा चनार के स्कूल में फायरिंग करके 6 असातिज़ा को शहीद कर दिया गया है। शहीद होने वाले असातिज़ा में मीर हुसैन, जवाद हुसैन, नवीद हुसैन शामिल हैं। जवाद अली, मोहम्मद हुसैन और अली हुसैन भी फायरिंग से शहीद हुए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तौकीर जैदी, हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर जैदी बताएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक, पुलिस का अभी तक इस वाक़े से मुतल्लिक क्या कहना है? जी, एक बात, अवान सरहद के करीब पाड़ा चनार के गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्टाफ रूम के अंदर घुस के नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे 6 स्कूल टीचर हैं वो शहीद हो गए। इस वाक्य के मुतालिक पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं, और उसको देखा जा रहा है कि आया ये दहशतगर्दी है या कोई और वाक्य। तो इस वक्त अभी पुलिस ने अभी तक मीडिया को कुछ नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी मीडिया को आगाह करेंगे। जी, मीडिया को अभी तक इस हवाले से पुलिस की जानिब से कुछ नहीं बताया गया है। तौकीर हमारे नुमाइंदे इस अफसोसनाक वाक्य से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।